मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। 2009 के बाद से कई सारे साइंटिस्ट की डेथ हो गई। अब ये आम डेथ लग सकते हैं, आम मौतें लग सकते हैं, लेकिन इनमें कॉमन कड़ी अगर देखें तो ये सभी के सभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इनके मौतों को इन्वेस्टिगेट करने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की अगर माने तो उनका कहना है कि सभी मौतों में से फिंगरप्रिंट और अन्य एविडेंसेस गायब थे, जिसकी वजह से उनको अनएक्सप्लेन्ड डेथ के नाम से इन सभी मौतों को केसेस को एंड कर दिया गया है। तो आखिर इन मौतों के पीछे है कौन, जानने के लिए देखें पूरे वीडियो को अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। अब इन मौतों का रहस्य हम लोगों को समझने के लिए कुछ टाइम ट्रेवल करके पीछे जाना होगा। हम पीछे चलते हैं 1966 में। 1966 कोल्ड वॉर का समय था, जिसमें पूरी दुनिया एक दूसरे को कोल्ड वॉर के तरीके से हराना चाहते थे। फादर ऑफ इंडियास न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा स्ट्रांगली मानते थे कि इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, इंडिया को अगर अपने पावर को दिखाना है, इंडिया को अगर फर्मली वर्ल्ड स्टेज पे अगर कहीं पर दिखना है तो उसको न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। होमी जहांगीर भाभा स्ट्रांगली मानते थे कि न्यूक्लियर पावर का शांतिपूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में, पावर के सेक्टर में और भी अन्य सेक्टरों में, लेकिन साथ ही साथ वो कोवर्टली खुफिया रूप से इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब भी डेवलप करना चाहते थे। जब 1962 में साइनो इंडो वॉर हुआ, उसके बाद से होमी जहांगीर भाभा बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगे कि हम लोगों को न्यूक्लियर पावर बिल्कुल बनना है। जैसे ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल मिला, इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ता गया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और ठीक दो हफ्ते के बाद 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा एक कॉन्फ्रेंस में वियना जा रहे थे बोइंग 707 एयर इंडिया के फ्लाइट में, और वो फ्लाइट माउंट ब्लैंक से क्रैश होके उनकी भी मौत हो गई। लेकिन क्या ये साधारण मौत थी? क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई और उसके बाद फिर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत हो गई, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है? एक देश है, मैं उस देश का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो ये वीडियो YouTube पर बैन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक इस वीडियो को नहीं पहुँचा पाएंगे। लेकिन लोगों को जानना ज़रूरी है, लोगों के जहनों में ये बात बैठना ज़रूरी है कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, एक बहुत ही सुपर पावर कंट्री है, जो कि सुपर पावर बनी हुई है, लेकिन वो सुपर पावर बनने के लिए कई सारे हथकंडे उसने अपनाए हैं। वो सिर्फ यूं ही अपने नॉलेज के बेसिस पे सुपर पावर नहीं बनी, वो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ को सप्रेस करके, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ जो एडवांस हो रहे थे उनको सप्रेस करने के बाद भी सुपर पावर बनी है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि उसी कंट्री के टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्लेन क्रैश में मरवाया है। 2008 में एक जर्नलिस्ट ग्रेगरी डॉगलस और CIA एजेंट रॉबर्ट क्रॉली के बीच का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था। उस कॉन्वर्सेशन में CIA एजेंट ने कुछ बातें रिवील की, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। CIA एजेंट का कहना है, 1960s में हमारा भारत के साथ कुछ ट्रबल चल रहा था और साथ ही साथ वो रशियंस के साथ हाथ मिला रहे थे, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था। होमी जहांगीर भाभा वो तो काफ़ी डेंजरस थे, मेरा बात मानो, वो सच में डेंजरस थे। अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया, वो जिस प्लेन में जा रहे थे उसके कार्गो होल्ड में एक बॉम्ब फट गया और वो प्लेन क्रैश हो गया। अब ये तो हो गई पास्ट की बात, जो 1960s में ये बात शुरू हो चुकी थी। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 2009 में। दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो 2009 से 2014 के बीच है। ये सारा इन्फॉर्मेशन RTI के ज़रिए एक एक्टिविस्ट चेतन कोठारी द्वारा निकाला गया था। 2009 में 48 वर्षीय लोकनाथ महालिंगम, जो कि कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन में एक साइंटिस्ट हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकले और गुम हो गए। 5 दिनों के बाद उनकी लाश काली नदी में मिली। इसी से कुछ हफ्तों पहले रवि मूले, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में एक साइंटिस्ट थे, उनकी लाश पास के ही एक जंगल में मिली।
2010 में एम अय्यर, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक इंजीनियर थे, उनकी लाश उनके घर पर मिली। ऐसे ही 2011 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक और साइंटिस्ट उमा राव की लाश उनके घर पर मिली। इन्हीं रहस्यमय मौतों की श्रृंखला में दो और नाम जुड़ते हैं, के जोश और अभिष शिवम। ये दोनों हाई रैंकिंग इंजीनियर्स थे जो कि इंडिया के पहले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में काम कर रहे थे, INS अरिहंत में। इन दोनों की लाशें रेलवे ट्रैक के पास मिली, लेकिन एक आश्चर्य करने वाली बात, इनकी मौतें रेलवे ट्रैक से एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। उस ट्रैक में ट्रेन के आने से पहले ही उनको जहर देकर उनको पहले से मार दिया गया था और उनकी बॉडीज़ को रेलवे ट्रैक पर लेटा दिया गया था ताकि कोई ट्रेन आए और ट्रेन से कट कर उनकी नॉर्मल मौतें लगें। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और पुलिस को इसके पहले ही उनकी डेड बॉडीज मिल गई और उन्होंने डेड बॉडी को हटा लिया। ऐसे ही एक रहस्यमय मौत हुआ 2010 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जब दो रिसर्च फेलो केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे थे और उनकी रहस्यमय तरीके से आग में जलकर मौत हो गई। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सभी मौतों में, किसी भी मौत में कोई भी एविडेंस नहीं मिले, कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। वो बहुत ही सफाई से अंजाम दिया गया मौत था, एक प्रोफेशनल के द्वारा अंजाम दिया गया मर्डर था। एक ट्रेंड असैसिन ने या फिर कई सारे ट्रेंड असैसिन्स ने मिलकर इन सारे मौतों को अंजाम दिया है। तो इन सारे मौतों को कौन अंजाम दे रहा है? स्वाभाविक से कोई फॉरेन कंट्री का इसमें हाथ है जो नहीं चाहता कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने कुछ हिंट्स आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, आप उस हिंट्स के आधार पर खुद का एक कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं या फिर आप गूगल में दो चार सर्च करेंगे तो आपको ईजिली रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी कंट्री का नाम क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि वो जो कंट्री है वो एक सुपर पावर कंट्री है। वो कंट्री बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसमें से एक YouTube भी है, और उस कंट्री का नाम लेने से भी हमारा वीडियो बैन हो जाता है। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें उस कंट्री का मैंने नाम लिया है और वो वीडियो बैन हो गया, वो आप तक के पहुँच नहीं पाए। कम से कम अगर मैं उस कंट्री का नाम नहीं लूँगा तो कम से कम वो वीडियो आप तक के पहुँचेगा और आप खुद के बेसिस पे सर्च करके आप ऐसे इन्फॉर्मेशन के प्रति अवेयर हो पाएंगे और आप खुद का कंक्लूजन कम से कम निकाल सकते हैं। इस कारण मैं उस कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप इमेजिन कीजिए, 1966 में ही हम न्यूक्लियर पावर हो सकते थे। 1966 में होमी जहांगीर भाभा जी ने ऐसा दावा किया था कि वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि उसके बाद इंडिया में एक शील्ड बन जाएगा और कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इतने ज़्यादा पावरफुल हम लोग, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हम 1966 से ही हो जाते अगर वो असैसिनेशन नहीं हुआ होता तो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप ऐसे ही और रोचक वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।